शिक्षा विभाग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन अपनी 3 मांगों को लेकर लगातार पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। वोकेशनल टीचर एसोसिएशन द्वारा अपने धरना प्रदर्शन के 39वें दिन प्रदर्शनकारियों द्वारा अपने खून से मांग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्कूल एजुकेशन हरियाणा को भेजा गया है। वोकेशनल शिक्षकों की मांग है कि उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए और जॉब सुरक्षा भी दी जाए। आज हमारे आंदोलन का 39वां दिन है। 39 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक ना ही तो सरकार ना ही विभाग तीनों मांगों में से किसी भी मांग पर सहमति नहीं बना पाया। और 25 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें लगभग विभाग और वोकेशनल टीचर्स के बीच सहमति हो गई थी, लेकिन शाम को 6:30 बजे ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि सरकार ने पांव पीछे खींच लिए। इसी के उसमें रोष पूरे हरियाणा में वोकेशनल टीचरों में बहुत ज़्यादा रोष है और इस रोष के बाद कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा में सभी विधायकों को वोकेशनल टीचर्स उनके घर पर आवास पर जा करके और सभी अधिकारियों को खून से पत्र लिख करके रोष प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों के प्रति पूरी करने के लिए गुहार लगाएंगे। तो एक साथ पत्र लिखेंगे जैसे आज मुख्यमंत्री के नाम आपने लिखा है या रोजाना एक पत्र भेजा जाएगा? आज मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी के नाम से और तीनों हमारे अधिकारी ACS साहब, SPD साहब और जूनियर SPD साहब तीनों के नाम से और ये जिला स्तर पर ये कार्यक्रम चलेगा। सभी जिलों में हमने ड्यूटी लगा दी है, सभी जिला प्रधान, महिला जिला प्रधान अपनी टीम के साथ सभी विधायकों के आवास पर जाकर के उनको ये खून से भरे पत्र सौंपेंगे। तो क्या हुआ कि सरकार के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि लंबे समय से बातचीत का दौर चल रहा है, तो कहाँ बात अटकी हुई है? बिल्कुल 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और लगभग निष्कर्ष निकलने ही वाला था और 25 नवंबर को लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन ऐसा सरकार का रवैया आया सामने कि सरकार ने सारी मीटिंग्स को जीरो करके और ऐसा रवैया दिखाया कि वोकेशनल टीचर्स के में बहुत ज़्यादा रोष फैल गया और मांग पर बिल्कुल भी नहीं सहमति जताई। जबकि यहाँ से डेलीगेशन सुबह दोपहर 1 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मीटिंग स्टार्ट हुई थी, 1 बजे से 2:30 बजे तक मीटिंग चली थी जिसमें लगभग हमारी सैलरी की मांग पर सहमति बन गई थी और 40,000 और 38,000 के 2 प्रपोजल तैयार हुए थे जिनको लेकर के आगे बढ़े थे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुई और उसके बाद दोपहर बाद फिर मीटिंग हुई और उसमें इस पर सहमति बन गई थी। उसके बाद घोषणा के लिए सिर्फ चंडीगढ़ ले जाया गया था, शिक्षा मंत्री जी के आवास पर ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर इन सभी से कोई सहमति जताते हुए वोकेशनल टीचर्स को रोष के साथ वापस आना पड़ा। तो डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी 3 ही डिमांड है, मुख्यतः शिक्षा विभाग में मर्ज करने की डिमांड है जो 16 जुलाई 2019 को BJP सरकार ने ही वादा किया हुई है और दूसरी मांग हमारी समान काम समान वेतन है। मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षा विभाग में 2 तरह के वोकेशनल टीचर हैं, एक वोकेशनल टीचर्स 48,112 वेतन मान ले रहे हैं और दूसरे वोकेशनल टीचर हम 23,000 रुपये वेतन मान है और ये बाहरी असमानताएँ वोकेशनल टीचर्स के अंदर है, तो इसलिए समान काम समान वेतन की हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी सर्विस रूल लागू करके 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने की मांग है। इन 3 मांगों को लेकर के 39 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।